हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मारुति सुजुकी की अल्टो है, 2012 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। इसका इवापोरेटर कॉइल लीकेज हो गया है। जब ये गाड़ी मेरे पास आई तो मैंने चेक किया तो नाइट्रोजन का प्रेशर मारने के बाद जो देखा तो इसका कूलिंग कॉइल, जिसे कहते हैं इवापोरेटर कॉइल, लीकेज हो गया है। इसको ऐसे हम इसका इवापोरेटर कॉइल रिप्लेस करेंगे। तो इवापोरेटर कॉइल रिप्लेस करने के लिए इसकी डैशबोर्ड खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये यहाँ साइड से निकल जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो इसके लिए एक सॉकेट, ये वाली रेजिस्टेंस की, ये थर्मोस्टेट की, उसके बाद 10 नंबर वो जो दिख रहा है, और इस साइड रहेगा 10 नंबर। ये सब खोल के बाहर की जो कूलिंग कॉइल के पास, एक्सपेंशन वाल के पास का जो जॉइंट दिया वो खोलना पड़ेगा। वो खोल के अपना कूलिंग कॉइल रिप्लेस हो जाएगा। तो चलो फिर मैं ये सब खोलता हूँ, खोल के आपको आगे दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं फाइनली एक यहाँ का 10 नंबर जो दिख रहा है आपको, ये वाली खोल दिया हूँ, और यहाँ का भी खोल दिया हूँ, और यहाँ पे भी एक 10 नंबर है, और एक अंदर साइड देख पा रहे हैं। और अभी इसको मैं हिला रहा हूँ तो ये हिल नहीं रहा है। क्यों नहीं हिल रहा है? क्योंकि बाहर से जो कूलिंग कॉइल के पास का जॉइंट है ना, वो खोलना पड़ेगा अपने को। खोल के फिर जा कर के ये बाहर आएगा। केबल भी निकाल दिया हूँ, सॉकेट विकेट सब निकाल दिया हूँ। तो चलो मैं बाहर आपको दिखाता हूँ क्या खोलना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली एक्सटेंशन वाल के पास खोलना पड़ेगा आपको बस, और कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो मैं अंदर आपको बाहर लगा के निकाल के दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये मेरा डैशबोर्ड, कंट्रोल यूनिट, कूलिंग कॉइल का जो पोर्शन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं निकल गया है, देख पा रहे हैं। तो चलो फिर मैं इसको बाहर लेता हूँ, फिर बाहर लेके आपको आगे दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, मैं फाइनली ये डक्टिंग निकाल चुका हूँ, यानी कंट्रोल यूनिट जो है निकाल चुका हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलो मैं इसको बाहर लेता हूँ, फिर बाहर लेके आपको खोल के फिर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं फाइनली बाहर ले लिया हूँ। ब्लोर में 3 स्क्रू है, 3 स्क्रू खोल लिया हूँ, ये बाहर आ गया। और इसमें 6 स्क्रू है, 7 स्क्रू, 1 2 3, एक इधर है 4, और एक यहाँ है 5 6 7 स्क्रू है, खोल लिया हूँ। ये इजीली बाहर आ जाएगा अपना। जैसा कि एक देख पा रहे हैं, इसमें एक जाली दिया है। ये जाली के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, तो जब तक मैं फिटिंग कर लेता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निकल चुकी है कूलिंग कॉइल। जैसा कि देख पा रहे हैं, किस टाइप से कूलिंग कॉइल दिख रहा है, लीकेज हो गया है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये नया वाला इवापोरेटर कॉइल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको प्राइस दिखा दे रहा हूँ, कितने का है इवापोरेटर कॉइल। जैसा कि देख पा रहे हैं, 3445 यानी 3445 रुपये का नया इवापोरेटर कॉइल है। तो इसमें कॉइल भी दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें एक्सटेंशन वाल नहीं दिया है, बट सेंसर दिया है। तो चलो फिर मैं इसमें एक्सटेंशन वाल लगा लेता हूँ, और आगे एक्सटेंशन वाल लगा करके फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर मैं ये जाली वगैरह के बारे में आपको लास्ट में बताऊँगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं जाली वगैरह क्लीन कॉइल का ऑपरेशन पॉइंट भी है, सब फिटिंग कर दिया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये डस्ट पार्टिकल वगैरह कोई भी जाता है ना, तो इसको यहाँ से जब पास ऑन कर देता है तो फिर आगे ये वाली जो जाली है ये बाहर करने नहीं देता है, बाहर फिटिंग नहीं देता है, सामने हमारे मुँह से नहीं आता है, क्योंकि उसमें फिल्टर दिया हुआ नहीं रहता है। चलो फिर मैं आगे फिटिंग करके आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, फाइनली फिटिंग कर दिया अपना, तो चलो फिर मैं इसको गाड़ी में फिटिंग करके आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे, गाड़ी के अंदर लेके आ चुका हूँ। ये नीचे से यहाँ से आप डालेंगे तो ये जाके बैठ जाएगा। तो चलो फिर मैं इसको बैठा करके आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे, फाइनली सब फिट हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे, सब फिटिंग कर दिया हूँ। तो चलो फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ, गैस चार्जिंग वगैरह करके और बाहर का फिटिंग करके।
तो जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली सक्सेस हो चुका है, तो मैं इसको रेटिंग में लगाती हूँ, लगाने जा रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं उसको 10 मिनट के लिए रेटिंग में लगा देता हूँ। चलो फिर 10 मिनट बाद फिर मैं मिलता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं रेटिंग अपना कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसको गैस फिलिंग में ले लेता हूँ। 350 ग्राम गैस मार दूँगा इसमें, सिस्टम छोटी है, 300 ग्राम में भी फिलिंग भरपूर आता है इसमें। तो जैसा कि देख पा रहे गैस फिल हो चुका है अपना, तो चलो फिर मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और गाड़ी अपनी अभी चालू है और एसी चालू रखा हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और कूलिंग टेम्परेचर देख लीजिए, 8.3 ट्रिप मार दिया है कंप्रेसर अभी, 8.5, 8.2, 7.9, 7.7 ट्रिप मार चुका है, यानी इतना तक कूलिंग आ रहा है इसका, यानी कूलिंग प्रॉपर हो रहा है। और इसका मैं हीटिंग टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ, हीटर हाई किया हूँ, एसी ऑन ही रखता हूँ और देखते हैं हीटिंग टेम्परेचर कितना तक जा रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो थोड़ी देर वीडियो होल्ड करता हूँ और देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच रहा है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं 37 पे हीटिंग टेम्परेचर आ चुका है, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया इवेपोरेटर कॉइल रिप्लेस करके, उसका प्राइस भी दिखाया, ये सब कुछ ना आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए क्या हो रहा है, क्या गया हुआ रहता है। इसका इवेपोरेटर कॉइल लीकेज हो गया था, इसकी वजह से रिप्लेस किए। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।